बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माई चैनल जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड आई होप यू आर डूइंग जस्ट एब्सोल्युटली फाइन। सो दोस्तों, आज का जो मेरा व्लॉग है, एक पहला कोई व्लॉग मैंने डाला हुआ है, उसमें मैंने आपको बताया कि मैं कोशिश करता हूँ चैंग माई में सेकेंड टैटू बनाने के लिए, लेकिन चैंग माई में मेरे को सेकेंड टैटू की बुकिंग नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पर प्री बुकिंग करानी पड़ती है महीना दो महीना पहले। तो अभी मेरे को बाई लक बैंकॉक में बुकिंग मिल गई है सेकेंड टैटू की, तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। एक्चुअली सेकेंड टैटू होता क्या है थोड़ा सा आपको बताऊँगा। थाईलैंड के कल्चर में एक एंशिएंट बिलीफ है, बुद्धिस्ट कल्चर में, कि कुछ गॉड के शेप्स एंड साइंस हैं जिससे कि वो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट लेके आ सकते हैं। तो मेरा काफ़ी बिलीव है इन चीज़ों में, और मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है नए नए कल्चर से कनेक्ट होने में, और मेरा काफ़ी मन भी था टैटू बनाने के लिए। तो मैंने ये सोचा कि यार, अगर आपको टैटू बनाना ही है तो इंस्टेड ऑफ जस्ट अ रैंडम डिज़ाइन और समथिंग लाइक दैट, आपको कुछ ऐसी चीज़ बनानी चाहिए कि जो कि इन अ ट्रू सेंस कुछ पॉजिटिविटी लेके आए लाइफ में, या आपको अंदर से अच्छा लगे उसको बनाने के बाद। हाँ, हालांकि मेरा टैटू बनाने का मन बहुत पहले से था, और हो सकता है मैं आगे भी बनाऊंगा और डिज़ाइंस के भी बनाऊंगा, बट मैं फ़र्स्ट टैटू जो है मैं थोड़ा मेमोरेबल बनाना चाह रहा था अपने लिए, तो इस वजह से मेरे को सेकेंड के बारे में पता लगा, तो मैंने सोचा कि मैं सेकेंड टैटू ही बनाता हूँ। तो यहाँ पे बैंकॉक के अंदर एक सेकेंग टैटू स्टूडियो है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूँ कि ये सेकेंग टैटू जो है ये हर कोई नहीं बना सकता। इसको बनाने के लिए या तो आपको बुद्धिस्ट मॉन्क होना पड़ेगा या तो अर्जन होना पड़ेगा। एंड व्हाट इज़ बुद्धिस्ट मॉन्क, आपको बताइए, जो बुद्धिज़्म कल्चर में जो प्रीस्ट होते हैं, पंडित होते हैं, उनको हम मॉन्क कहते हैं, और अर्जन उनके एक स्टूडेंट के स्टूडेंट आप समझ लीजिए, जो मॉन्क से ज्ञान लेके फिर वो जो ब्लेसिंग्स हैं वो आगे पास ऑन करते हैं। तो आज मेरे को जो बुकिंग मिली है वो अर्जुन की मिली है, मॉन्क की बुकिंग नहीं मिली है, क्योंकि वो बहुत पहले से करानी पड़ती है। बट हैविंग सेड दैट, अर्जुन का जो टैटू मेकिंग है या ब्लेस करने का तरीका है वो मॉन्क से बिल्कुल भी कम नहीं है, 19-20 का भी नहीं फ़र्क मैं बताऊँगा आपको उसके लिए। तो चलिए इस व्लॉग को हम शुरू करते हैं, और आपको लेके चलता हूँ कि सेकेंड टैटू शॉप स्टूडियो, और वहाँ पे हम लोग टैटू बनाएंगे और कुछ बातें करेंगे, कुछ बताएंगे आपको बारे में, आपको वहाँ के बारे में। और बने रहिएगा हमारे व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द व्लॉग। सवादी खा। तो दोस्तों, हम लोग अभी कैफ़े में पहुंच चुके हैं, उन्होंने मेरे को ये बुक दी है। इस बुक में अलग अलग टैटूज़ हैं और इनके डिज़ाइंस हैं, तो हर टैटू का एक अलग सिग्निफिकेंस है, और अब मुझे चूज़ करना है कि मुझे कौन सा वाला टैटू बनाना है, साइज़ के हिसाब से और शेप के हिसाब से। इसमें प्राइसेस हैं, जैसे ये 3500 बात है, ये प्राइस जो है ये मशीन की है और ये बैम्बू की है, तो इसी तरीके से अलग अलग प्राइसेस इसमें दी गई हैं। One. Where are you gonna do on your body? About the back. In the middle. Yeah. In the middle. This side. Yeah, upper back in the middle. Ah, oh, look good. Good. Yeah. Okay. With all black. Yeah. Pardon? All black ink. All black ink. Yeah, like this. Yes. Yeah. Okay. So this is the ideal place for this tattoo. That one, right here. Okay. Here also I can do. Yeah. Right. Here. I'm gonna wrap around a little bit. What was your name? I forgot. Ramida. Ramida. Yeah. So दोस्तों, हम लोग इस tattoo shop में आए हैं, और हमारे साथ एक lady है, इनका नाम है Ramida. तो ये हमें हेल्प कर रही है यहाँ पे टैटू फाइंड आउट करने के लिए, और बहुत ही
मतलब काफ़ी सोच समझ के, मैं करवाने तो कुछ और आया था बट इन्होंने जो मेरे को बुक दिखाई है तो मेरे को एक दूसरा टैटू समझ आया है, तो अभी मैं उसके लिए जाऊँगा, उसके सिग्निफिकेंस आपसे डिस्कस करूँगा एट द एंड ऑफ द ब्लॉग, तो बने रहिएगा हमारे साथ। You do YouTube? Yes, wow. I have a channel. This is the form. Okay. You filling everything for me. Your full name, your age, email, and then here. Make sure you read that and then signature. Okay. Okay. Then okay. Check the price too. Sure. Thank you. Arika. So don't provide any discount. This is already fixed price. Yes. It is written here that the quality of work is not as good as a tattoo that is done by a regular machine. What does this mean? Because machine price is less and the bamboo stick price is more. Mm-hmm. Because traditional. Due to traditional. Because the traditional style, uh-huh. And not you cannot get everywhere, okay. in the world. Okay. Only okay. Some country they have it. Apart and, from but Thailand. But for Sakyan, only Thailand. And original from okay. Thailand. For the quality that mean on number 8 is that mean like that. For example, the ink gonna blend under the skin, you will saw like that. Some skin okay. Like here, very sensitive and very soft, and you always moving a lot and become like spread. But if I do it on here, the back, not too much. Not too much. Yeah. No? But with the time the ink gonna blend a little bit. Spread. Yeah, spread a and little if bit. And if I have to, you know, get it retouched, touch up kind mm-hmm. of thing, can I do it? Yeah, can do, but if not too much, I think can keep the okay. same. Yeah, this is for 10 years. Okay, this is 10 years old. Yeah, I don't need to touch up anything because all the same. But just look thicker from first start. You have done this tattoo also? Mm-hmm. This one? No, I don't have on my. Oh, you don't. Okay. Okay. Do you have your passport or ID? Yeah, I have. दोस्तों ये वो रूम है. Can you tell me all what are all these things? I don't know too much. Oh, you don't know. I don't know too much. I know only this Ganesha. I think you know that. Yeah. For success. Yes. Yeah. And Ganesha, that one, you know. Pokya. The master. Okay. For okay. Tattoo. Tattoo master. Yeah, tattoo master. All right. And all the angel. I don't know. Angels. Tattoo, yeah. Okay. Three of them. The angel. That's the Buddha up there. All this right. This is Pokya. This also Pokya. Okay. And okay. That one, Akila. This giant. Thailand. Giant. Yeah. This is also tattoo master. No, not tattoo master, but god. Like the god. 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 Yeah. Okay. For praying. Yeah. Okay. Okay. You need to take off your shirt. Okay.
तो दोस्तों हम लोगों ने अपना टैटू कंप्लीट कर लिया है और सही बताओ तो भाई कसम से स्टार्टिंग में तो फटी हुई थी। माँ का भाई पता नहीं कितना दर्द होगा, इतनी लंबी दर्द सुई लेके घुसा हुआ था वो मेरी पीठ के अंदर, लेकिन कुछ इतना कुछ खास दर्द हुआ नहीं और बढ़िया तरीके से टैटू बन गया। मैं आपके साथ इमेजेस शेयर करूँगा और व्लॉग भी वीडियो भी शेयर करूँगा जो इन्होंने बनाया है, क्योंकि मैं तो अकेला आया हूँ भाई, मैं किसी को साथ लेके नहीं आया, क्योंकि वो प्रोसेस को देखते तो मुझे बना ही नहीं देते, तो मैं अकेला आया हूँ तो आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी इस पूरे ठाई टैटू कैफ़े की मैं आपको वो भी भेजूँगा, क्या कहते हैं, एड्रेस डिटेल वगैरह सारी चीज़ें, पैसे कितने लगे क्या लगे। तो अभी मैं एक्चुअली बाहर का रास्ता ढूँढ रहा हूँ, बाहर में कैसे जाऊँगा। एक्चुअली क्या है ना, इनके थाई टैटू कैफ़े वालों के दो कैफ़ेज़ हैं एक्चुअली, एक जिसमें एक थाई टैटू कैफ़े है और एक थाई टैटू कैफ़े हाउस है। तो जो थाई टैटू कैफ़े है उसमें मेनली मशीन वाला काम करते हैं, और जो थाई टैटू कैफ़े हाउस है उसमें ये हैंड पोक से करते हैं। तो मैं हाउस में आया था और उन्होंने ब्लेसिंग्स भी दी, आई होप कि जो मैं सोच के आया हूँ वो काम सही हो। बाकी तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग वंस अगेन, एंड आई एम सो ग्लैड कि आप लोग मेरा व्लॉग देखते हैं, अगर देखते हैं तो, नहीं देखते हैं तो प्लीज़ देखा करिए यार, क्योंकि मेरे को बहुत कम टाइम मिलता है वैसे भी व्लॉग बनाने के लिए, और मैं अपने शौक के लिए बनाता हूँ, कुछ नई चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम फॉर अ न्यू व्लॉग फ्रॉम अ न्यू लोकेशन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड जय हिंद दोस्तों।